बड़ी खबर आ रही है, स्कूल खोलने पर बोले हैं शिक्षा मंत्री, फीडबैक के आधार पर होगा फैसला। गृह और चिकित्सा विभाग से लेंगे फीडबैक, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। अन्य राज्यों से भी फीडबैक लिया जाएगा। जल्द ही मामले पर सीएम संग चर्चा भी की जाएगी। तो स्कूल खोलने पर शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि फीडबैक के आधार पर फैसला लिया जाएगा कि कब स्कूल खोला जाए और किस आधार पर खोला जाए। गृह और स्वास्थ्य विभाग से फीडबैक लेने के बाद स्कूल खोलने पर निर्णय लिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए इसमें मुख्यमंत्री जी भी बहुत संवेदनशीलता के साथ में विचार कर रहे हैं, और चिकित्सा विभाग और होम डिपार्टमेंट और केंद्र की एसओपी, ये सारी चीजें मिलकर के ये चीजें तय होती हैं। तो अब चूंकि कोरोना कम हो रहा है, तो इसके ऊपर भी मुख्यमंत्री जी से हम लोग आज चर्चा करेंगे कि वो विभिन्न विभागों से भी बात कर लें, और सरकार की जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है उसका भी हम लोग अध्ययन कर लें, और अन्य स्टेट्स का और का सबका परीक्षण करने के उपरांत इसके ऊपर मुख्यमंत्री स्तर के ऊपर ही निर्णय हो पाएगा कि स्कूलें कब से। चलिए, और अधिक जानकारी के साथ महेश दाधीच जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेश, स्कूल खोलने को लेकर जो असमंजस है उसको लेकर ये बड़ी खबर सामने आई है। शिक्षा मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि फीडबैक के आधार पर ही फैसला लिया जाएगा। देखिए, बिल्कुल, कोरोना संक्रमण को लेकर के मार्च महीने से ही लॉकडाउन हुआ था और उसके बाद से स्कूलों को भी बंद कर दिया गया था। धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया चली, बाकी सब कुछ खुला, लेकिन स्कूलें जो है अभी भी बंद है। और इन्हें लेकर के बीच में कवायद की गई कि किस तरह से कोरोना संक्रमण की दर अगर कम होती है तो उनको खोला जा सके, और उसे लेकर के पूर्व में भी कवायद हुई, लेकिन स्कूल इस सत्र में नहीं खुल पाए हैं। तो ऐसे में आज जो मीडिया से बातचीत हो रही थी उसमें गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि मुख्यमंत्री के स्तर पर यह